अपना परिचय बताइए, किन समस्याओं के लिए क्या था? बद्रीनारायण शर्मा, मेरी बहू जयपुर जिला प्रमुख प्रत्याशी थी कांग्रेस पार्टी से और एक वोट से रही है, राधे ने विधायक जी बैठे हुए हैं। ये जो सीट है, ये ज्वलंत मुद्दे दो है, रिंग रोड और बिसलपुर, और इसी रिंग रोड और बिसलपुर पे इस किसानों ने और इस जनता ने आवाम ने वोट दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सभा हुई थी चुनाव से पहले, जब वोटिंग से पहले जो आम चुनावी सभा मोहना में हुई थी, हमने दो ही मुद्दे उनके सामने रखे थे, माननीय गहलोत साहब के सामने, कि रिंग रोड और बिसलपुर। आधे बिसलपुर का पानी इस विधानसभा में आ चुका है, आधा बिसलपुर का पानी आना है 31 पंचायत और नगर पालिका बगरू, और रिंग रोड जो बीजेपी की देन है रिंग रोड, और 13 जिलों की फौज द्वारा कब्जा 4 साल पहले लेके 28 किसानों को हमको 21 दिन जेल में डाले, कब्जा इस रिंग रोड का लिया, और आज दिन तक पट्टा नहीं किसान को, तो फिर काहे की लोक कल्याणकारी सरकार हुई हमारी। हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं, माननीय धारीवाल से निवेदन करते हैं, और माननीय जो जितने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और प्रशासन बैठा हुआ है यहाँ, चाहे वो पीएचडी का हो, चाहे मंत्री महोदय महेश जोशी जी हो, चाहे धारीवाल जी हो, ये दोनों ज्वलंत मुद्दे हैं, अगर इनको नहीं सुलटाया तो बहुत बुरा होगा इस क्षेत्र में। क्यों आती हो गई, हम कहाँ कहाँ नहीं गए, किसके पास नहीं गए, माननीय विधायक जी क्या करें, आज रूलिंग पार्टी का विधायक धरने पर बैठा है, शर्म की बात है, कितनी बड़ी शर्म की बात है, ये सारे कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं, और ये जो लोग बातें करते हैं ना, 13 जिलों की फोर्स हमारे डंडे लगा के जेलों में डालते, तब कहते हैं लोग, दिवाली के 10 दिन पहले घर फूटे थे तब कहते हैं लोग, तब बोले क्या, हम वहां हॉस्पिटल से बीजेपी कार्यकर्ताओं से हॉस्पिटल से फोन लगवाते थे, कैलाश वर्मा को तो फोन बंद कर देते थे वो लोग, और हमारे क्षेत्र जाति के लोग, वो एमएलए बीसल चौमू के अंदर, उनके पास 50 गए थे लोग, वहां से मना कर दिया मेरा टिकट कर जाए। आज रूलिंग पार्टी के एमएलए, मैं धन्यवाद देता हूँ जो तड़ने में बैठी है दोनों मुद्दों को लेकर, ये बड़ी बात है, कोई समझने वाला समझ सकता है समझ लो, और नहीं समझे तो मजाक उड़ाते रहो। आज कितनी बड़ी बात हुई है कि जो दोनों समस्या ज्वलन थी, 4 साल से हम धक्के खा रहे थे, नहीं सुनी इनकी, तो आज धरने पर बैठना पड़ा। क्यों बैठना पड़ा, कि ये काम होना चाहिए जनता का, और हम ये रिंग रोड के पट्टे शिविर लग के लगे, यहाँ जारी हो, जेड़े कोई किसान नहीं जाएगा, यहाँ शिविर लगे और यहाँ पट्टे मिले, और ये बिसलपुर का पानी जो 21-31 पंचायत है और नगर पालिका बगरू, इसको पानी मिले। ये लोकप्रिय और जनप्रिय विधायक है, इन्होंने इतना प्रयास किया दोनों मुद्दों के लिए, हम जब भी बार बार गए, लेटर दिया सीएम के 3 बार मिल लिए तीनों मुद्दों पे, 4-4 बार टाइम लेके मिल लिए, हर एक किसान कम्युनिटी जो है वो जहां भी प्रोग्राम में सीएम साहब आते हैं वहां ज्ञापन देते, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे सांगानेर हो, चाहे दैमी हो, कहां नहीं मिले हम लोग इन मुद्दों को लेकर। तो मैं प्रार्थना करता हूं, और अब बड़ा काम होगा, ये तो एक सांकेतिक धरना है, ये कोई नहीं माने कि 200-300 लोग बैठे हैं, हजारों लोग इकट्ठे होंगे, और हजारों लोग इकट्ठे होकर ईंट से ईंट बजा देंगे इन अधिकारियों की, ये भूल जाएंगे जो नाटक कर रहे ना वहां जेडे के अंदर बैठ के 13 साल पहले 8 साल पहले की, वो सपना याद कर ले कि हमारा आंदोलन कहता हुआ हम वो कि वही है, हम गर्वाने वाले नहीं है। बद्रीनारायण शर्मा का ये चैलेंज है, आज रूलिंग पार्टी की विधायक बैठी हुई, शर्मानी चाहिए उन लोगों को, आगे मिलना चाहिए, और अब तक ये समाधान हो जाना चाहिए, बातें बड़ी बड़ी नहीं होनी चाहिए, काम धरातल पे होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।